हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मोगरे की सब्जी, यानी कि मूली के फलियों की सब्जी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मोगरे की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम के जितनी मूली की फलियाँ ली हुई थी, जिनका डंठल हटा करके हमने इसे दो टुकड़े में कट कर लिया हुआ है। आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक कढ़ाई में हमने 3 से 4 चम्मच के जितना तेल डाला हुआ है। तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें आधा चम्मच जीरा और बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे लहसुन को सुनहरा होने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू को छील करके हमने इस तरह से कट कर लिया हुआ था, उसे डाल दिया हुआ है। अब हम आलू को 2 से 3 मिनट तक तेल में अच्छे से भून लेंगे, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ये फलियां डाल देंगे और इन्हें भी आलू के साथ मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनना है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, जिससे कि आलू जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, नमक डाल के हमने इसे अच्छे से मिला दिया हुआ है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक करके हम इसे लगभग 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। तो 8 से 10 मिनट हो गए हैं और आलू भी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच के जितना हमने गरम मसाला डाला हुआ है। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले डालने के बाद फ्लेम को एकदम से लो कर दें ताकि मसाले जले नहीं और सब्जी के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए, मसाले डालने के बाद इसे इसी तरीके से 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच में पका लीजिए। बाद में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और ये लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी मोगरे की सब्जी बनके तैयार है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।